रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। दोस्तों नए जीमेल डिजाइन में हुए हैं बहुत बड़े बड़े बदलाव। संवेदनशील ईमेल्स के लिए भी हैं कुछ इसमें खास ऑप्शन। कुल मिला के इसमें 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से बदलाव हैं। जीमेल दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ईमेल सर्विस है। गूगल ने जीमेल वेब में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें पहले भी आपको इसके डिजाइन में बदलाव की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अब आधिकारिक तौर पर कंपनी ने नए जीमेल इंटरफेस जारी कर दिया है जिसे यूज किया जा सकता है। गूगल नए जीमेल को दुनिया भर के यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है। नए डिजाइन में विजुअल बदलाव के साथ फीचर्स में भी बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ फीचर्स जोड़े भी गए। हालांकि गूगल ने कहा है कि ये फीचर दुनिया भर के 1.4 बिलियन यूजर्स को नहीं मिलेंगे बल्कि चरणों में दिया जाएगा। शुरुआत में यूजर्स को नए जीमेल का यूज करने के ऑप्शन एडिशनल दिया जाएगा, यानी अगर आप चाहें तो यूज करें चाहें तो ना यूज करें। गूगल ने कहा कि जीमेल के नए डिजाइन से लोग सेफ और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। पहला इसमें अगर हम लोग बदलाव देखते हैं तो वो है कॉन्फिडेंशियल मोड। नए जीमेल में यह मोड दिया गया है। इसके तहत सेंडर किसी संवेदनशील ईमेल को भेजकर एक्सपायरी डेट सेट कर सकता है ताकि इस ईमेल को पूरी तरह वापस लिया जा सके। दरअसल इसके लिए गूगल संवेदनशील कॉन्टेंट को सीधे ना भेजकर इस कॉन्टेंट का लिंक भेजता है जिसे रिसीवर जीमेल के जरिए ओपन कर सकते हैं। इसमें ईमेल भेजने वाले को यह अधिकार है कि उसे कभी भी अपना मेल वापस ले सकता है। ईमेल स्नूजिंग स्मार्ट रिप्लाई, दोस्तों ये दूसरा फीचर है। इसमें जीमेल इस नए फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है। स्मार्ट रिप्लाई मोबाइल ऐप पर पहले से ही दिया गया था, अब आपको जीमेल वेब पर भी ये फीचर दिया जाएगा। विजुअल अपडेट की बात करें तो ये सबसे बड़ा बदलाव है कि दाईं तरफ अब आपको अपने साइड पैनल पर दिखाई देगा। इसमें कैलेंडर, गूगल कीप और गूगल टास्क जैसे टूल्स होंगे जिसे आप यहीं से यूज कर सकते हैं। यहाँ से मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, डे प्लान करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों तीसरा मोड है या तीसरा फीचर है ऑफलाइन मोड। दोस्तों अभी तक हम लोग देखते थे कि अगर इंटरनेट चला जाता था तो हम लोग का जीमेल डाउन हो जाता था, हम लोग जीमेल पे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जीमेल वेब में भी आप ऑफलाइन मोड का सपोर्ट दिया गया है, यानी इंटरनेट ना होने की स्थिति में भी आपको वैसा ही जीमेल यूजर इंटरफेस मिलेगा जैसे ऑनलाइन होने पर मिलता था। यानी अगर इंटरनेट चला गया तो भी आप जीमेल का यूजर इंटरफेस पर काम कर सकते हैं और जो भी बदलाव आप करेंगे वो सिंक में हो जाएगा ताकि अगली बार आप ऑनलाइन हो तो आपको ये दिखाया जा सके। प्राथमिकता के आधार पर नोटिफिकेशन, दोस्तों ये चौथा बहुत बड़ा बदलाव है। गूगल ने जीमेल के लिए हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन फीचर भी जारी किया है। इसमें मोबाइल नोटिफिकेशन कम होने की उम्मीद है क्योंकि आपको जीमेल सिर्फ वैसे ही ईमेल नोटिफिकेशन देगा जिसके लिए आपने उसमें सेटिंग करी है। गूगल का कहना है कि ये जीमेल यूजर्स के 97% तक पुश नोटिफिकेशन को कम कर देगा। अगला फीचर देखते हैं सिक्योरिटी फीचर। गूगल ने नए जीमेल की फिशिंग से बचाने के लिए ईमेल वार्निंग सिस्टम भी लाया है ताकि किसी ईमेल से आपको संभावित खतरा है तो ईमेल के टॉप में रेड, येलो और ग्रे कलर को बताया जा सके कि रिस्क कितना है। हालांकि ये फीचर पहले भी था लेकिन गूगल ने कहा कि टॉप पर दिए इस फीचर से संभावित खतरों से यूजर्स बचेंगे। आप इसे कैसे और कब यूज कर पाएंगे? दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें से कुछ फीचर है जो अब कॉन्फिडेंशियल मोड आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा। फिलहाल आप सेटिंग में जाकर ट्राई न्यू जीमेल रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। आप सबको ऑप्शन दिखने लगेगा और ये बहुत बड़ा बदलाव अब हम लोग यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।